इसी बीच अंबिकापुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में मां और बच्चे की मौत हो गई है। तो प्रसव के लिए बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ इलाके की महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। महिला के परिजनों ने लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप, तो अस्पताल में हंगामा किया है। अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि लापरवाही नहीं हुई है, महिला का बच्चेदानी फटने से ये घटना हुई है। तो अंबिकापुर से ये बड़ी खबर है क्योंकि महिला और एक बच्चे की मौत हो गई है। प्रसव के लिए बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ इलाके की महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और महिला के परिजनों ने आरोप लगाया है कि हॉस्पिटल की तरफ से लापरवाही की गई है। मरीज कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में ही यहाँ आया था। वो बच्चेदानी जो जिसमें बच्चे का विकास होता है, बच्चेदानी का फट गई थी पेट में, लेकिन यहाँ आने के बाद उसका जो है ऑपरेशन किया गया और उपचार के दौरान चूंकि मरीज लेट पहुँचा अस्पताल में तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हाथ में हो गए थे, जिसमें मरीज को ब्लड चढ़ाना, प्लेटलेट चढ़ाना, ये सब जो उपचार होता है वो प्रॉपर दिया गया है। ये दुख का विषय है, इसके बावजूद जो है मरीज को बचाया नहीं जा सका। कार्रवाई होना चाहिए भाई, ऐसे हुआ कैसे? ये लोग ये भी बोले थे दो भाई, बच्चा डेट हो गया, हम लोग मान रहे चलिए हो गया, तो ये लोग ये भी बोले थे कि माँ को बचा लेंगे हम लोग, तो भाई माँ को तो बचाना चाहिए था। इसमें भी डॉक्टर लोग का लापरवाही है ना, टाइम पे कुछ भी करते हैं। जब कल वो पैटलेट करके कोई वो है जो लगाते हैं मरीज को, तो वो बताना चाहिए था कि आधा एक घंटा पहले बता दे भाई अगला को कि जाके कहीं से ले आए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी दिलीप जायसवाल मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। दिलीप, खबर सामने आई कि एक माँ और बच्चे की मौत हो गई है। अस्पताल के प्रबंधक कह रहे हैं कि बच्चेदानी पहले फटने से ये घटना हुई, जबकि परिजन कह रहे हैं कि हॉस्पिटल की तरफ से लापरवाही हुई है। क्या कुछ इसके ऊपर अन्य जानकारी मिल रही है दिलीप? देखिए, इसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम ने अभी कुछ देर पहले सवाल उठाया है और उन्होंने कहा है कि अगर महिला की हालत इतनी ज्यादा गंभीर थी तो अस्पताल प्रबंधन आखिर क्या कर रहा था, स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा था, जबकि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका 8 से 9 महीने के बीच में 4 बार स्वास्थ्य जांच करना होता है, उनका सोनोग्राफी करना होता है, ये देखना होता है कि महिला की हालत कैसी है, क्या सुरक्षित प्रसव इसका हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं मैदानी अमले ने लापरवाही बरती और महिला की हालत जब गंभीर हो गई तो उसको अस्पताल लाया गया। तो उन्होंने पूरे सिस्टम पर ही सवाल उठाया है और अभी जो परिजन है उनका भी यही कहना है कि हम जब अस्पताल यहाँ पर लेकर मरीज को पहुंचे उस समय ये कहा गया था कि हम जो महिला है उसका जान बचा लेंगे, लेकिन यहाँ डॉक्टरों ने लापरवाही बरती और महिला की जान चली गई और बच्चा। ठीक है दिलीप, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया।